चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आज तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग लेके आई हूँ, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ब्लॉग है। तो आप लोग इस ब्लॉग को लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो फिर से आप मुझसे पूछोगे कि दी वीडियो कैसे वायरल होता है। तो आज मैं आप लोगों को वो अपनी टिप्स बताने वाली हूँ जो मैं अपने डेली ब्लॉग में शॉर्ट्स में यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगा क्यों नहीं मुझे अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं कैसे शॉर्ट्स और वीडियो अपलोड करती हूँ और कैसे मैं इतनी वायरल हो रही हूँ। तो बहुत कुछ ज़्यादा दिनों का ही एक्सपीरियंस है हमारे पास कि भाई पहले हम भी वायरल तो नहीं थे, बट अब हम वायरल होते जा रहे हैं। तो हमें भी अपने ऑडियंस को ये चीज़ें बतानी चाहिए कि हमें वीडियो और शॉर्ट्स कैसे अपलोड करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो वायरल होने के कुछ टिप्स हैं तो आज हमने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर ही देते हैं, क्योंकि हमारे ऑडियंस को भी वायरल होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अभी न्यू क्रिएटर्स कह सकते हैं या छोटे क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा ब्लॉग को। तो चलिए फिर फटाफट वीडियो आगे करते, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला टिप्स है वायरल होने का, छोटे क्रिएटर्स हैं या न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए है कि वो वीडियो को डेली अपलोड करें, चाहे वो वीडियोज हो, लॉन्ग वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो। क्यों अपलोड करें? देखिए, बहुत सारे क्रिएटर्स होते क्या हैं कि जैसे आज उन्होंने वीडियो अपलोड किया या शॉर्ट्स अपलोड किया, उन्होंने अपलोड कर दिया तो आज हमारे बहुत अच्छे व्यूज़ आए, वाह वाह। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एक साथ 10 से 15 शॉर्ट्स अपलोड कर दिए, तो होता है क्या है, ठीक है नेक्स्ट डे भी अच्छे हैं उनके आगे व्यूज़, तो वो क्या करते हैं, थर्ड डे छोड़ो आज तो नहीं करेंगे क्योंकि कल हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है 15। तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही है कि आप कभी भी वीडियो को स्किप नहीं करें अपलोड करने में। डेली डेली आप लोग शॉर्ट्स अपलोड करिए, क्योंकि अगर आप एक दिन करोगे, दो दिन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं हुआ इसका। इसलिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो तो आपको डेली डेली वर्क करना होगा। देखिए, कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग डेली शॉर्ट्स अपलोड करो। आप 3 ही अपलोड करो, ऐसा नहीं कि आप डेली 10 से 15 20 करो, नहीं, आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, बट डेली करो। इससे आपके चैनल पे ग्रो होगा आपका और आपको खुद ही पता चलेगा, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। कभी ऐसा होता है कि व्यूज़ का मैच छोड़ो कल से करेंगे ही नहीं तो वो छोड़ देते हैं, फिर बीच में 4 दिन बाद वो अपलोड करते हैं, नहीं आज तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ के, आज अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे नहीं हो, ये गेम नहीं है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है वर्क करने के लिए बना हुआ है। तो आप अगर डेली वर्क करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टिप्स पे। तो दूसरा टिप्स मेरा क्या है गाइस, सबसे पहली चीज़ तो आप जानिए, टाइमिंग का फिक्स होना। कभी भी वीडियो आप अपलोड करते हो या शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो आपकी टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आप कभी 12 बजे अपलोड कर दिए, कभी 4 बजे, कभी 10 बजे, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऑडियंस को जोड़ना है तो आपको पहले तो अलर्ट होना होगा। आपको वीडियो अपलोड करने की जो टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होती है। मैं खुद अपलोड करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, 8 से 11 के बीच में आपको शॉर्ट्स अपलोड कर देने हैं या वीडियोस अपलोड कर देने हैं, और शाम की जो टाइमिंग होती है वो 4 से 6 के बीच में आपको अपलोड करना चाहिए। आप होता है क्या, बड़े क्रिएटर्स को देख के चलते हो, कह रहे बड़े क्रिएटर्स तो चाहे जब करते, उनके कहने पर ना चलो आप, क्योंकि वो बड़े क्रिएटर्स हैं। आप अभी यूं से स्टार्ट कर रहे हो, यूं से यहाँ तक जाने के लिए आपको टाइमिंग की हर चीज़ का ध्यान देना होगा। तो प्लीज़ गाइस, आप वीडियो को अपलोड करने के लिए सही टाइमिंग बनाइए, क्योंकि बिना सही टाइमिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। इस टाइमिंग का रीज़न भी क्या है मैं आपको बता दूँ, आपके ऑडियंस, जैसे आज आपने 9 बजे वीडियो अपलोड कर दिया, शॉर्ट्स अपलोड कर दिया, तो ऑडियंस ने आज देखा 9 बजे, कल भी देखा 9 बजे, परसों भी देखा, तो वो एक आपके टाइमिंग का वेट करने लगेंगे कि नहीं, ये इसी टाइम ही वीडियो अपलोड होता है, मैं इनका देखूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या होगा, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। तो इस ये सिंपल सी बात है, अगर आप टाइमिंग से हर चीज़ करोगे तो आपके व्यूज़ कहीं नहीं गए हैं, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए आप इस टिप्स को भी मेरे ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं हम तीसरे टिप्स पे। तो तीसरा टिप्स हमारा क्या है, हैशटैग। हमें शॉर्ट्स अपलोड करने से पहले, बहुत लोग होते हैं, देखिए मैं बता रही हूँ, बहुत लोग होते हैं ऐसे ही शॉर्ट्स डालते जाते जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं है।
तो आप उस बड़े क्रिएटर्स को देख के ना चलिए कि वो कुछ नहीं डालते हैं तो उनका तो वायरल हो गया, मेरा भी वायरल हो जाएगा, छोड़ो यार वायरल हो जाएगा, नहीं वो खाना खाते रहेंगे ना, या वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बैठे भी रहेंगे ना, वो भी वीडियो डाल देंगे तो उनके वायरल हो जाएंगे। उनसे आप अपना कंपेयर ना करिए, क्योंकि आप एक अभी छोटे और न्यू क्रिएटर्स हो। तो इसीलिए आप जब भी कोई वीडियो शॉर्ट्स अपलोड करिए, जैसे फनी हैशटैग, कॉमेडी हैशटैग, ट्रेंडिंग या जो भी है, सारे में हैशटैग का यूज़ करिए। हैशटैग यूज़ करने का कई रीज़न होता है। देखिए क्या होता है, हैशटैग यूज़ करने, जैसे आपने किसी अच्छे सॉन्ग पे अपने शॉर्ट्स अपलोड किए, अगर आप हैशटैग डाले हो तो वो एक वायरल हो जाएगा, तो लोग उससे क्लिक करके देखेंगे, नहीं इसका सॉन्ग तो बहुत अच्छा है। जब आप उस पर कुछ डालोगे ही नहीं, हैशटैग नहीं डालोगे, सॉन्ग्स ट्रेंडिंग जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स जितने भी वगैरह वगैरह, तो आपको कोई देखेगा ही नहीं, छोड़ो ये फालतू है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पे शॉर्ट्स, अरे सॉरी शॉर्ट्स पे बिना हैशटैग के आप यूज ना करें। आते हैं हम नेक्स्ट टिप्स फोर पे। टिप्स फोर मेरा क्या है, वीडियो की क्वालिटी। देखिए वीडियो की क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, ये हमारे लॉन्ग वीडियो के लिए भी है एंड शॉर्ट वीडियो के लिए भी है। लॉन्ग वीडियो के लिए देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट उन्हें सबसे बड़ी चीज नहीं पता होती कि हमें वीडियो में करना क्या है, मोबाइल में हमें पहले करना क्या होगा। बहुत सारे लोग को लगता है कि यार उनकी वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है क्योंकि वो तो आईफोन यूज करते हैं, उनके तो कैमरे इवन नंबर के होते हैं, वो कैमरे यूज करते हैं, तो ये सब गलत है। सभी के पास आईफोन स्टार्टिंग से नहीं होता है, जो हमारे आप कह सकते हैं फेमस क्रिएटर्स होते हैं वो आईफोन से ही वीडियो स्टार्ट नहीं करते हैं। हमारे अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मोबाइल से भी अच्छी वीडियो क्वालिटी आ सकती है। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँ, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मुझे लगा कि जो मैं रूल फॉलो करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी लाने के लिए, जैसे हमने कॉटन की साड़ी पहनी है या आपके पास कॉटन की कोई कपड़े हैं, इसको हल्का सा आप भिगा लो पानी से, बिल्कुल निचोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि पानी में डुबो के, नहीं निचोड़ के अपने फ्रंट कैमरे को बिल्कुल ऐसे करके क्लीन करिएगा और बैक कैमरे को। इसको क्लीन करने से गैस, आज मेरी बात आप लोग मान लीजिएगा, 60% आपके वीडियो में क्वालिटी अच्छी आएगी। ये मेरा चैलेंज है आप लोग से कि अगर आप लोग ऐसे करोगे तो 60% वीडियो आपकी अच्छी आएगी। जैसे होता है कि वीडियो अच्छी नहीं होती, लोग 20 से वीडियो देखते चलते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं जिसके धुंधले धुंधले रहते हैं, अरे छोड़िए बेकार है, आप कितना भी अच्छा किए होंगे क्योंकि आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए आपको क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान देना है। तो मेरा ये रहा टिप्स फोर। अब आते हैं हम टिप्स फाइव पे। टिप्स फाइव क्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने चैनल्स को कॉमेडी बनाते हैं, ठीक है कॉमेडी, जैसे हमने चैनल का नेम रखा है नेहा लखनऊ ब्लॉगर, हमने टाइटल वगैरह उसमें डाल के रखा है डेली ब्लॉगिंग कॉमेडी वगैरह वगैरह जो भी है। तो जैसे आप अपने चैनल का नाम जो रखते हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने चैनल पे वर्क किया करो। बहुत सारे लोग होते हैं चैनल का नाम रखते हैं कॉमेडी का और वो वीडियो शॉर्ट्स, जैसे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं डांस का, तो ये वायरल नहीं होने वाला भैया, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। आप ये जो है जैसे कि कॉमेडी आपका टाइटल, आपने वीडियोस नेम रखा है, तो कॉमेडी आपको शॉर्ट्स में बनाना ही पड़ेगा क्योंकि डांस के वीडियो को कौन देखेगा, कॉमेडी है अंदर खोलो तो शॉर्ट्स है, ये यूट्यूब से भी आपका ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये चीज़ अपने लॉन्ग वीडियो में अपलोड कर सकते हो, अपने डांस का अपलोड कर लो, जो भी कर लो, कि शॉर्ट्स में कॉमेडी का अगर है आपका चैनल नेम तो कॉमेडी ही बनाना पड़ेगा आपको। और इसकी ये भी एक रीज़न है, अगर आप इस तरीके से नहीं बनाओगे गाइस ना, तो आपको यूट्यूब भी सोचेगी यार कॉमेडी है तो डांस डाले फालतू, वो चीज़ आपके आगे यूट्यूब ग्रो ही नहीं करने देगा, वो वहीं पे आपके स्टॉप हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके चैनल का नाम कॉमेडी से है तो आप कॉमेडी ही शॉर्ट्स अपलोड करो, ना कि डांसिंग कुकिंग या वगैरह वगैरह कुछ भी आप नहीं अपलोड करो, वो सारी चीज़ें आप लॉन्ग वीडियो में कर सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो में नहीं। तो ये था मेरा टिप्स फाइव। अब हम आ जाते हैं टिप्स सिक्स पे। तो टिप्स सिक्स हमारा क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ हमें पेशेंस रखना होगा, ठीक है, हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है, हम पेशेंस रखते नहीं हैं, किसी बड़े क्रिएटर्स को देखते हैं, अरे यार ये तो इनके वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, हमारे तो हो ही नहीं रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, इससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्या हो जाओगे डीमोटिवेट, जिससे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल भी आप
बिल्कुल भी किसी से कंपेयर ना करो, ठीक है। डिमोटिवेट होना होगा तो आप दूसरे से कंपेयर करो, अगर डिमोटिवेट नहीं होना है तो आप कंपेयर किसी से भी ना करो, क्योंकि कंपेयर करने से आपके अंदर ये होगा कि इसकी तो सैलरी आ गई होगी, इसके तो सिल्वर प्ले बटन मिल गए होंगे, यार हमारे तो कुछ हो ही नहीं रहे, हमारे तो व्यूज ही नहीं आ रहे, हमारे तो कुछ आगे ग्रो ही नहीं कर रहा है चैनल, छोड़ो हम नहीं करेंगे यार, आज नहीं डालते हैं। नहीं, आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो आपको पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट पेशेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग भी मिलते हैं आपको, बट खुद से क्यों हम डिमोटिवेट हों, आपको सबसे बड़ी चीज पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, ये सोच के रखो कि हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो हमें हार्ड वर्क करना है और हमें आगे बढ़ना है, तब तो आप वर्क कर पाओगे। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, कंप्रोमाइज दूसरे से करोगे तो नहीं। आप छोटे क्रिएटर्स हो तो छोटे वाले क्रिएटर्स में भी हो सकता हो कि आपके साथ ही वो चैनल स्टार्ट किया हो, उसका चैनल बहुत ज्यादा ग्रो कर गया होगा, हो सकता है उसके में कुछ क्वालिटी अच्छी रही होगी, हो सकता हो कि आप धीरे धीरे स्टार्ट कर आपकी चीजें ग्रो करेगी, हो सकता है आगे चल के बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, तो ये भी हो सकता है गाइस। तो इसलिए पेशेंस का और कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। मैंने एक साथ दो दो डिफरेंस समझा दिया आपको, इसलिए आपको कंफ्यूज ना होना, पेशेंस भी रखना जरूरी है और कॉम्प्रोमाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट टिप्स हमारा 7, क्या है, लिपसिंग। हमें लिपसिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। होता है क्या है, जैसे हमारे वीडियो में आजकल आप लोगों ने देखा है शॉर्ट्स पे, एक वीडियोस बहुत शॉर्ट्स वायरल हो रहा है, जो कि मेरा खुद भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि 2.5 लाख 3 लाख व्यूज हमारे आ रहे हैं उस पे। भाभी जी मैं अपनी बीबी से परेशान हो गया, ठीक है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, तो मेरे बहुत वायरल जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसी को मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है ये। तो आपको बताएं इसमें क्या होता है, जैसे उन्होंने फोन लिया है, ठीक है, हाथ में उसके फोन है, तो फोन पे वो बोलता है हेलो भाभी जी, तो वो बोलती है कौन, ठीक है, तो कौन का मतलब थोड़ा एक्सप्रेशन, कौन कैसे नहीं होना चाहिए, कौन ऐसे नहीं होना चाहिए, कौन थोड़े से आंख में वो दिखने चाहिए कि मतलब आपने झटके से बोला कौन। फिर उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं अपनी बीबी से परेशान आ गया हूँ, वो बोल रहा है अगर, तो आप शांति से ऐसे बैठ के सुन रहे हो, नहीं, उसमें आपका एक एक्सप्रेशन होना चाहिए कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है, थोड़ा सॉफ्ट की तरह होना चाहिए, थोड़ा मतलब एक होता है ना कि आप समझ सकते हो, थोड़ा आइज मतलब जैसे लगे कि आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुन समझ रहे हो, या आप ये कह सकते हो कि इंसान क्या कह रहा है, थोड़ा आपका दिमाग इधर उधर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है तो मैं ऐसे सुनते रहे, नहीं, हमें उस चीज़ पे अपना एक्सप्रेशन देते रहना चाहिए। लिपसिंग में क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, छोड़ो आज ऐसे ही डाल देते, जो होना होगा होगा, ऐसे नहीं होता है। शॉर्ट्स बनाने के लिए आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना होता है, अगर नहीं सही लगता है आपको तो आप उसको डिलीट करो, फिर से प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। कोई चीज़ अब आप वो सोचो कह रहे वो तो ऐसे ही डाल दिया उसका वायरल हो गया, तो उसके आप देखो ना उसके सब्सक्राइबर कितने, उसके डेली उसके व्यूज कितने जाते, तो वो तो चाहे जैसे डाल देगा उसके वायरल हो जाएंगे, आप उसके चक्कर में ना रहो, आप अपने चक्कर में रहो, अपना ध्यान दो कि हमें हमारी लिपसिंग मिलनी चाहिए। जैसे होता क्या है, थप्पड़ आपने मारा ठूसा, इससे नहीं होने वाला, थप्पड़ की आवाज़ चट से आती है और ठूसी की आवाज़ एकदम से धम से आती है, तो उन दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हमें लिपसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो बोलता है अरे भाभी जी मैं अपनी बीबी से परेशान आ गया, तो पता चला वो भाभी जी बोल रहा है तो आप बोलो परेशान हो गया हूँ, लिपसिंग आपकी वहाँ चल रही हो, नहीं, आपको साथ साथ में चलना है, नेक्स्ट पर्सन जो आपके देखे तो उसको ये पता ना चले कि नहीं ये आपकी वीडियो नहीं, आपने किसी की कॉपी किया है, नहीं। तो आपको लिपसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है गाइस, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लिपसिंग का ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके शॉर्ट्स को वायरल कर सकता है। तो ये रहा मेरा टिप्स 7, अब आते हैं टिप्स 8। टिप्स 8 हमारा है एक्सप्रेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे वीडियोज़ के लिए या शॉर्ट्स के लिए। हमें हमारे फेस पे एक्सप्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली होता है क्या, जैसे हमने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया या वीडियोज ही बनाना स्टार्ट किया, जैसे हम वीडियो बनाने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रो रहता है वो ये रहता है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, ठीक है, मेरा एक्सप्रेशन ऐसा रहता है। आप लोग पता चलो वीडियो अपने लॉन्ग स्टार्ट करो तो ऐसे बोलो हेलो एवरीवन, तो क्या है, इसे कोई भी नहीं देखेगा, वो स्किप करके क्या देखना कहो, वो वहीं बंद करके चला जाएगा। जैसे हमने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया, शॉर्ट्स बनाना अगर हम स्टार्ट करते हैं तो शॉर्ट्स में जैसे एक शॉर्ट्स समय एक ये भी वायरल चल रहा है, आप लोगों ने देखा है
कि दरवाजा खोलो जल्दी, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे वो बोलता है, जैसे हम दो पार्ट्स वाले वीडियोस तो शॉर्ट्स नहीं बना पाते क्योंकि हम सिंगल में नहीं इमेज से हो पाता है, ना मेरा कोई शूट करने वाला रहता है, मुझे खुद से सारी चीज़ें करनी होती है। तो जैसे आप दरवाजा खोलो जल्दी वो बोलता है, तो आपका एक एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? कौन है बे, ऐसे होना चाहिए, कौन है बे, ये एक्सप्रेशन नहीं होता। जैसे वो बंदा बोला दरवाजा खोलो जल्दी तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए। जैसे कि मुझे वो शॉर्ट्स याद नहीं आ रहा है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे वो बोलता है कि दरवाजा खोलो जल्दी, इतनी रात में कौन है रे, हाँ देखिए वो खटखट दरवाजा खोलो जल्दी, तो वो बोलती है ना जैसे कि हमने बोला इतनी रात में कौन है बे, एक एक्सप्रेशन का जो फेस पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही आपको जो आपका एक्सप्रेशन है वो लोगों को भा जाता है और दिल में छू जाता है। तो वो आपको ऐसा नहीं कि आपके एक्सप्रेशन आपके वीडियोस को देखते वो तुरंत सब्सक्राइब कर देगा, नहीं, ये चीज़ें हमेशा बनाए रखना है, सबके दिल पे छा जाना है आपको। तो इससे क्या है, वो इंसान अगर दो दिन देखा तीसरे दिन कहे नहीं इसके शॉर्ट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, इसके वायरल बहुत अच्छे, अरे इसके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं यार, ये बहुत अच्छा वीडियो बनाती है सच में, इसको हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो क्या हुआ, आप ऑडियंस की आंख में धंस गए, तो तुरंत आपको सब्सक्राइब कर देगा। तो आपको इन सारे टिप्स का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ये जो टिप्स आपको बता रही हूँ मैं ये अपने वीडियोस पे शॉर्ट्स पे यही फॉलो करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा ये जो मेरे 7, 8, 9 टिप्स जो भी हैं मैं क्यों नहीं आपके साथ शेयर करूँ, जो हमारे अभी न्यू क्रिएटर्स अभी चैनल स्टार्ट किए हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस वीडियो को स्किप नहीं करें, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बने रहें और किसी से अपना कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए आप, क्योंकि बड़े क्रिएटर से कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या होता है कि अपना चैन होस्ट खो देना। मैंने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मेरे जब 100 सब्सक्राइबर हो चुके थे, जब एक दिन हमारे मतलब 100 नहीं हुए थे आप कह सकते हो, मेरे 70 सब्सक्राइबर्स थे, तो मुझे लगता था कि आज एक तो बढ़ जाए, एक बढ़ता था, एक बढ़ा, कुछ दिन में 2 बढ़ने लगा, कुछ दिन में 5 बढ़ने लगा, एक मन में एक लालचपन सा बढ़ने लगा मेरे अंदर। तो मुझे लगा नहीं, मुझे और भी मेहनत करना है, मुझे आगे वर्क करना है, मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपनी सोच को छोटे पे ही रखो, आप छोटे से रखोगे धीरे धीरे आगे जाओगे। किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपना वीडियो बनाना चाहोगे या किसी को देख के आपको सोचोगे ये आदमी फला आदमी का तो वीडियो वायरल होता जा रहा है, वायरल होता जा रहा है, इसके तो सैलरी भी आने लगे हैं, इसके वॉच टाइम कितने अच्छे हो गए हैं, यार मेरे तो कुछ नहीं होते, मैं इसी के साथ ही स्टार्ट किया, छोड़ो मैं नहीं करूँगी आज, तो इससे क्या है आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप खुद पर भरोसा रखो, खुद पर डिपेंड रहो, किसी का देख के मत जाओ कि वो फलान आदमी ऐसा किया तो वायरल हो गया, नहीं, आप अपने कंटेंट लाओ, अपने वीडियोज़ बनाओ। और कोशिश आप ये करो कि शॉर्ट्स के साथ साथ अगर आपको बहुत जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो आपको शॉर्ट्स के साथ साथ लॉन्ग वीडियो लेके चलना है। आप भले 3 दिन पे अपलोड करो लॉन्ग, कि लॉन्ग वीडियो का भी होना बहुत जरूरी, वो 5 मिनट का वीडियो हो आपके, बट आप लॉन्ग वीडियो कोशिश तो ये करिए कि डेली डेली करिए, नहीं कर पाते तो 1 दिन इस मतलब गैप कर करके एक एक दिन करके आप लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करिए जल्दी, अगर आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो। तो ये रहे मेरे सारे टिप्स और मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग ये ना कहना कि मैं किसी का वीडियो देख के आई हूँ और आपको समझा रही हूँ, नहीं, मेरे पास इतना तो टाइम ही नहीं होता, मैं अपने ही नहीं का अपने ही वर्क कह सकते हो आपकी हम नहीं कंप्लीट कर पाते डेली एडिटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें रहती है यार, आप समझ सकते हो इस बात को। तो मैं खुद ही अपना नहीं किया देख पाती हूँ वीडियो, तो मैं दूसरे का क्या देखूँगी, जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, बिल्कुल क्लियरिटी, कोई भी चीज़ इसमें बनावटी नहीं है। अगर आप मेरे इस इतनी टिप्स को फॉलो कर लोगे तो सच बता रही हूँ, अब ये ना सोचना कि मैंने इतने टिप्स बताए आज आप फॉलो किए तो कल से वायरल हो जाओगे, नहीं, कुछ टाइम के बाद आप वायरल होगे, आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ये मेरा चैलेंज है आप लोग से। तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखोगे तभी समझ पाओगे, बीच बीच में स्किप करके नहीं समझ पाओगे। और जितने लोग के चैनल पे अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि दी आपके इस वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है और सच में आज हमारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ गया। तो फाइनली गाइस सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, अगर अभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा तो आप मुझसे शॉर्ट्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, लाइव चैनल पे भी पूछ सकते हो, जैसे भी आप पूछोगे मैं फिर से वीडियो आपके लिए दूसरे तरीके से लेके आऊँगी जिससे आप समझ सको। फिलहाल ये मेरा कहना है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आना है क्योंकि मैंने कोई अलग भाषा में नहीं समझाया, बहुत सिंपल वे में समझाया है जो मैं यूज़ करती हूँ डेली डेली। तो आप लोग
उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा होगा और आप लोग को पसंद भी आया होगा मेरा ये वीडियो। तो चलिए फिर चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।